वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं चैप्टर से रिलेटेड आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी है तेनालीरामा की, जो विजयनगर राज्य के विदूषक थे। एक बार विजयनगर राज्य के राज्य दरबार के अंदर मनुष्य के स्वभाव के बारे में चर्चा चल रही होती है, तो राज्य के जो राजगुरु है वो राजा को बताते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ की तरह होता है, जो कभी सीधा हो सकता नहीं है। तो फिर राजा बताते हैं कि क्या सच में कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती? तो राजगुरु बताते हैं, क्यों ना, हमारे राज्य के जो सबसे होशियार है, सूझबूझ के जानकार है, ऐसे तेनालीरामा से ही ये सवाल पूछा जाए कि क्या वो पूंछ सीधी हो सकती है कि नहीं। तो इसके बारे में तेनालीरामा बताते हैं कि हमारे दरबार में से हम चार लोग एक छोटा कुत्ते का बच्चा 6 महीने तक पालते हैं और देखते हैं कि क्या सच में कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है कि नहीं। तो ऐसी युक्ति बताते हैं और उसको वो लोग ऐसे ही कुत्ते के बच्चे अपने घर पे लाते हैं। एक राजगुरु लाते हैं, एक तेनालीरामा अपने पास रखते हैं, एक महाराज भी रखते हैं और एक बच्चा दरबारी को भी दिया जाता है। तो पहले राजगुरु कुत्ते के बच्चे के पूंछ के नीचे ज्यादा वजन लटका देते हैं दोरी बांध के, ताकि उसकी पूंछ 6 महीने तक सीधी रहे। जो राजा होते हैं वो कुत्ते की पूंछ में एक नली लगा देते हैं प्लास्टिक की, कि जिसके कारण कुत्ते की पूंछ उसके अंदर सीधी रह पाए। जो दरबारी होता है वो पूंछ के साथ एक लकड़ी बांध देते हैं, ताकि लकड़ी के साथ साथ पूंछ भी सीधी हो जाए। और यहाँ पे तेनालीरामा क्या युक्ति करते हैं कि वो कुत्ते के बच्चे को 6 महीने तक उसको जिंदा रहने के लिए जितना खाना चाहिए उतना ही खाना खिलाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे कुत्ते का बच्चा कमजोर पड़ने लगता है। वो जिंदा तो रहता है परंतु वो प्रयत्नशील, मतलब एकदम एक्टिव रह पाता नहीं है, और धीरे धीरे उसकी पूंछ क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। ओके, बहुत ज्यादा हिलडुल पाती नहीं है। जब रात दरबार के अंदर सभी के कुत्ते के बच्चे को लाया गया तो पता चला कि तीनों में से किसी भी कुत्ते के बच्चे की पूंछ सीधी हुई नहीं, जबकि तेनालीरामा के पास जो कुत्ते का बच्चा था उसकी पूंछ एकदम सीधी थी। तो फिर राजा कृष्णदेवराय पूछते हैं कि तेनालीरामा आपने ऐसा कैसे किया? तो वो बताते हैं कि कुत्ते को बच्चे को जितनी जिंदा रहने के लिए जितने खाने की जरूरत थी मैंने उतना ही उसको खाना दिया, और इसके कारण वो उसके अंदर शरीर में ताकत ही नहीं रही कि वो अपने पूंछ को हिला सके। तो ये बात को बता के वो बताते हैं कि मनुष्य भी इसी की तरह कुत्ते की तरह ही होता है, कुत्ते की पूंछ की तरह ही होता है। जब ही मनुष्य का स्वभाव दुखी या फिर जरूरतमंद हो जाता है तो उसकी पूंछ ऐसे ही सरल हो जाती है, ओके, बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। और जैसे ही उसकी हालत सुधरने लगती है तो वैसे ही उसकी पूंछ क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, यानी वो अपना स्वभाव क्या कर लेता है, बदल लेता है। इसीलिए ये वाक्य कहा जाता है कि मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ की तरह होता है। तो ऐसे थे तेनालीरामा, जो हर समस्या का समाधान अपनी सूझबूझ और होशियारी से निकालते थे। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हवा दरबार में लाई जाए। यहाँ पे जो चित्र दिया है वो विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेवराय का दरबार का चित्र है। अब देखते हैं क्या हो रहा है कहानी में। एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी, महाराज कृष्णदेवराय दरबार में पसीने से लथपथ थे। क्या होता है कि गर्मियों का सीजन था और इसके कारण राजा कृष्णदेवराय गर्मी से लथपथ हो गए थे। गर्मी से लथपथ होना यानी गर्मी से पूरे भीग चुके थे। राज पुरोहित को कुछ ज्यादा ही गर्मी सता रही थी। वे बोले, महाराज सुबह सवेरे बगीचे की हवा कितनी शीतल और सुगंधित होती है, क्या ऐसी हवा दरबार में लाई जा सकती है? यानी राज पुरोहित को भी बहुत गर्मी लग रही थी, तो वो महाराज को बताते हैं कि सुबह सवेरे बगीचे के अंदर कितनी शीतल यानी कितनी ठंडी और सुगंधित यानी कि कितनी खुशबूदार हवा होती है, क्या हम ऐसी हवा को दरबार में यानी राज्यसभा के अंदर ला सकते हैं?
यह बात सुनते ही महाराज खुश हो गए और घोषणा कर दी कि जो भी बगीचे की शीतल और सुगंधित हवा दरबार में लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। राजपुरोहित की बात सुनकर तुरंत ही महाराज क्या करते हैं, एक घोषणा कर देते हैं, एक ऐलान कर देते हैं कि जो भी बगीचे की सुंदर और सुगंधित हवा शीतल और सुगंधित हवा दरबार में लाएगा उसे इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। सभी दरबारी सिर झुकाकर सोचने लगे कि यह कार्य तो असंभव है। दरबारी का अर्थ होता है राजा के अन्य राज्य कर्मचारी जैसे कि मंत्री, सेनापति आदि, उन सबको क्या कहा जाता है, दरबारी। तो सारे दरबारियों ने सिर झुका लिया और सोचने लगे कि यह कार्य तो असंभव है, यानी जिसका हो पाना पॉसिबल ही नहीं है, जिसके हो पाने की कोई संभावना ही नहीं है उसे कहते हैं असंभव। क्या हवा को दरबार में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो दरबारी भी ऐसा ही सोचते हैं कि यह कार्य क्या है, असंभव है, इसे कोई नहीं कर सकता। भला हवा भी कोई वस्तु है कि जिसे जहां चाहा उठाकर रख लिया जाए? दरबारी क्या सोचते हैं कि हवा भी कोई वस्तु थोड़ी है, तो उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख दिया जाए। दूसरे दिन जब दरबारी सभा में आए तो सभी उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखने लगे कि शायद कोई हवा लाया हो। दूसरे दिन सब लोग जब दरबार में मिलते हैं तो दरबारी क्या करते हैं, एक दूसरे के मुंह के सामने देखते हैं उत्सुकता के साथ। उत्सुकता का अर्थ होता है अत्याधिक इच्छा का भाव या फिर अधीरता। अधीरता से वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि क्या मेरे अलावा और कोई हवा लेके आया है। ओके, उनके चेहरे देखकर महाराज कृष्णदेव राय निराश होकर बोले, लगता है आप में से कोई भी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। यानी कृष्णदेव राय सबके चेहरे एक दूसरे के सामने देखते हुए देखकर बोलते हैं कि मेरी इच्छा किसी ने पूरी नहीं की, ऐसा मुझे लगता है, किसी ने हवा दरबार में लाने की मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तभी तेनालीरामा अपने स्थान से उठकर बोले, महाराज मेरे होते आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब राजा ऐसा सोच रहे थे कि कोई भी हवा को दरबार में नहीं ला पाया तो वो निराश हो जाते हैं, तो तेनालीरामा अपने जगह से उठकर बताते हैं कि आपको निराश होने की यानी हताश होने की, होपलेस होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए बगीचे की शीतल और सुगंधित हवा कैद करके लाया हूँ। क्या बताते हैं कि आपने जो कहा था बगीचे की शीतल और सुगंधित हवा दरबार में लाने की, वो मैं लेकर आया हूँ, हवा को कैद करके लेके आया हूँ। उनकी बात सुनकर महाराज सहित सभी दरबारी चौंक पड़े। ओके, राजा तो चौंक पड़े पर सारे दरबारी भी चौंक पड़े कि क्या सच में वो दरबार में हवा लेके आए हैं, और लेके आए हैं तो कैसे लेके आए हैं। महाराज ने पूछा, कहाँ है हवा, उसे तुरंत ही छोड़ो तेनालीराम। महाराज क्या होते हैं, अधीर हो जाते हैं, तो वो तुरंत ही उनको बोलते हैं कि कहाँ है हवा, तुरंत ही उसको दरबार के अंदर छोड़ दिया जाए। तेनालीरामा को आज्ञा मिलने की देर थी। उन्होंने बाहर खड़े 5 सैनिकों को फौरन भीतर बुलाया और महाराज के चारों ओर खड़ा कर दिया। जैसे ही महाराज ने आज्ञा दी तुरंत ही क्या किया, तेनालीरामा ने जो 2-5 सैनिकों को बाहर खड़ा किया था उनको फौरन ही भीतर बुलाया। भीतर का अर्थ होता है अंदर, इनसाइड। इनसाइड 5 सैनिकों को बुला दिया और राजा की चारों ओर उनकी चारों तरफ खड़ा कर दिया। उनके हाथों में इत्र, जल आदि में भीगे हुए चमेली और गुलाब के फूलों से बने बड़े बड़े पंख थे। ये जो 5 सिपाही को उन्होंने अंदर बुलाया, वो 5 सेवकों के पास क्या था, उनके हाथों में इत्र। इत्र का अर्थ होता है खुशबूदार पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट। यानी उनको हाथों में सेंट, जल यानी पानी आदि से भीगे हुए चमेली और गुलाब के फूलों से बने पंखे थे।
पंखे थे, पर कैसे पंखे थे? उनके हाथों में पंखे थे, पर पंखे कैसे थे? चमेली और गुलाब के फूलों से बने हुए पंखे। और कैसे थे? कैसी खुशबू वाले थे? इत्र की खुशबू वाले थे, और जल में भिगोए हुए ये पंखे थे। ओके, तो यहाँ पे हम ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि तेनालीरामा की ये जो युक्ति है हवा को दरबार में और खुशबू को दरबार में लाने की, क्या ये वाली जो युक्ति है उनसे महाराज खुश होते हैं कि नहीं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।